में तो इतना सारा बूट स्पेस है, मतलब एक छोटा बच्चा आराम से इसमें लेट कर अंदर जो है बंद किया, कौन सी और किस और दिया जाए। तो अगर आप चाहते हैं थोड़ी पावर ज़्यादा हो आपकी स्कूटी में और टॉर्क ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ये है जो है 107 केजी की, ये है 108 की। दोस्तों 125 सीसी या फिर जो है 110 सीसी अगर आप प्लान कर रहे हैं टीवीएस की जुपिटर लेने का और कंफ्यूज हैं जो है इसी बीच में कि यार 125 सीसी जुपिटर की ओर जाया जाए या फिर 110 सीसी की ओर जाया जाए, तो दोस्तों आज की वीडियो में डिटेल में कंपैरिजन करेंगे और जो भी डाउट है आपके जो है सारे क्लियर होने वाले हैं। कौन सी चीज़ें जुपिटर के 110 सीसी में दी गई हैं, कौन सी एक्स्ट्रा जो है आपको फीचर्स जुपिटर 125 सीसी में मिलते हैं, फटाफट से बात करेंगे। सबसे पहले जो है हम जो है प्राइस से स्टार्ट करते हैं। तो टोटल जो है सबसे पहले मैं यहाँ पे बता दूँ, जो ये जुपिटर 125 सीसी है ना, ये ग्रे कलर में जो आप देख रहे हैं ये सबसे बेस वेरिएंट है। इसमें स्टील लिम आपको दिख रहे होंगे, तो ये सबसे बेस में आते हैं स्टील लिम ना, इसमें आपको डिस्क ब्रेक्स मिलेंगी तो सबसे बेस रहता है। और ये इसका जो है जुपिटर का सबसे टॉप एंड वेरिएंट है, जुपिटर क्लासिक वेरिएंट। तो फटाफट से जो है प्राइस से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करी जाए जुपिटर 125 सीसी की, तो इसमें जुपिटर 125 सीसी में आपको टोटल जो है यहाँ पे 3 वेरिएंट आपको देखने को मिलते हैं, ड्रम, और फिर इसका ड्रम इसी ड्रम वेरिएंट में एलॉय का आता है, फिर डिस्क में एलॉय का आता है। तो ये जो ड्रम वेरिएंट आप देख रहे हैं ना, इसकी एक्शोरूम जो रहती है वो रहती है 83,000 रुपये इसकी एक्शोरूम प्राइस रहेगी। फिर इसका जो अगर आप ड्रम डिस्क में लेते हैं तो वो आपको जो है 86,000 रुपये का एक्शोरूम में कॉस्ट करेगा। और इसका सबसे टॉप जो वेरिएंट रहता है वो इसका जो है डिस्क वेरिएंट वो रहता है 91,000 का। तो ये इसके 3 वेरिएंट आते हैं। इसकी बात करें इसके काफ़ी सारे वेरिएंट आपको जो है जुपिटर 110 सीसी का आपको देखने को मिलते हैं। स्टार्ट ये जो है बेस वेरिएंट इसका जो है होता है 74,000 से। फिर इसका जो है आपको ZX डिस्क मिलेगा, फिर इसका ZX इसका स्मार्ट X कनेक्टेड वाला आता है, फिर इसका सबसे टॉप जो आप देख रहे हैं इसका क्लासिक वेरिएंट। तो ये जो क्लासिक है ये है इसका 86,000 रुपये का। तो अब यहाँ पे है 86,000 रुपये वाला जो है ये क्लासिक वेरिएंट दिया जाए 110 सीसी में, या फिर ये वाला 125 सीसी में जो इसका आ रहा है आपका जो है जुपिटर 125 सीसी का 83,000 का। तो डिफरेंस आपको पता लग गया होगा 3,000 से 4,000 रुपये का दोनों के बीच में है। तो आप फटाफट से बताता हूँ, सबसे पहले फ्रंट लुक अगर मैं डायमेंशन से स्टार्ट करूँ ना, तो डायमेंशन का इतना कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। थोड़ी थोड़ी जो है डायमेंशन जो है यहाँ पर रहती है इनकी, 1834 mm की इसकी पूरी लेंथ रहती है। इसकी बात करें तो इसकी जो लेंथ है वो आपको 1852 mm की मिलेंगी, तो मतलब थोड़ा सा जो है आपको जो कह सकते हैं ना ऑन सेंटीमीटर, पूरा 1 cm भी नहीं, मतलब थोड़ा सा आपको डिफरेंस मिल रहा है यहाँ पे। और वहीं अगर मैं विड्थ की बात करूँ चौड़ाई की, तो चौड़ाई जो रहती है अप्रॉक्सीमेटली सेम टू सेम है, 650 mm की इसकी रहती है, और जो है 681 mm की विड्थ इसकी रहेगी। और अगर हाइट की बात करी जाए तो 1168 mm की जो है इसकी हाइट है, और जो है आपको 1115 mm की इसकी हाइट मिलेगी। वहीं अगर जो है अगर मैं बात करूँ व्हील बेस की, व्हील बेस ऑलमोस्ट सेम टू सेम है, 1275 mm का दोनों का सेम व्हील बेस रहता है। वेट की अगर बात करी जाए कौन सी गाड़ी भारी रहेगी, तो वेट में इतना कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ये है जो है 107 केजी की, ये है 108 केजी की। तो डिफरेंस का कुछ जो है आपको पता लग गया होगा। अब बात आती है सीट हाइट की, सीट हाइट दोनों में क्या रहती है, दोनों की 765 mm की जो है सीट हाइट आपको यहाँ पर मिल जाती है। तो ये थी डायमेंशन की बातें जो कि आपको पता लगी होंगी। डायमेंशन में इतना कोई दोनों में मेजर डिफरेंस नहीं है, लेकिन थोड़ा जो है बोल्ड सी जो है आपको लुक के साथ में ये 125 सीसी जो है आपको जुपिटर देखने को मिलती है। अब ज़रा फ्रंट लुक की बात करें, सबसे पहले यहाँ पर आपको क्रोम का वर्क मिलेगा 125 सीसी जुपिटर में, जो कि आप ये देख रहे हैं। यहाँ पे आपको जो है ये ब्लैक पार्ट मिलता है, LED लाइटें मिलती हैं पूरी, अगर आप देखें तो सेम टू सेम यही लाइटें आपको इसमें भी देखने को मिलती है। यहाँ पर कोई भी सिंगल पूरा काउल मिलता है, यहाँ पे लाइटें पूरी आपको LED में मिलेंगी। एक बार अगर जला के दिखाई जाए तो लाइटें कुछ ऐसी जो है आपको, अगर मैं यहाँ से इसका साइड स्टैंड भी लगाऊंगा तो मतलब साइड स्टैंड इंजन जो है स्विच ऑफ आपको यहाँ पर हो जाता है। अगर साइड स्टैंड नहीं लगाऊंगा तभी जो जाके ये स्टार्ट होती है। तो लाइटें ये देख लीजिए जुपिटर क्लासिक में, ये 110 सीसी में LED में आती हैं, और इसमें भी आपको जो है LED में ही लाइटें देखने को यहाँ पर इसमें मिलती हैं, जो कि आप ये देख रहे हैं ऐसी कुछ लाइटें रहती हैं। दोनों में आपको LED लाइटिंग सेटअप मिलेगा, और बाकी यहाँ पर इंडिकेटर्स अगर मैं दिखाऊँ यहाँ पर, तो दोनों के इंडिकेटर्स यहाँ पे फ्रंट बॉडी पर ही रहते हैं। अगर आप देखते हैं यहाँ से इस तरीके से, यहाँ से आपको
यहाँ पर भी इसमें इंडिकेटर मिलता है हेलोजन में, सेम टू सेम जो है इसमें भी आपको हेलोजन में ही आपको इंडिकेटर यहाँ पर बॉडी पे दिया गया है। लेकिन इसमें साउंड आपको सुनने को मिलती है, इसमें भी आपको जो है साउंड प्रॉपर आपको सुनने को इसमें मिलेगी दोनों में। तो ऐसा कुछ जो है हेलोजन में इंडिकेटर्स दोनों में मिलते हैं, और क्रोम का वर्क थोड़ा ज़्यादा इनके इंडिकेटर में जो है 125 सीसी के जो है जुपिटर में रहता है। तो ऐसा कुछ जो है लाइटिंग सेटअप आपको पता लग गया होगा। बाकी इसका फ्रंट आपको मैं दोनों का दिखाऊं तो थोड़े ग्राफिक्स आपको जो है ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिलते हैं। जुपिटर क्लासिक में यहाँ पे आपको ग्राफिक्स प्रॉपर यहाँ पे दिए गए हैं। इसमें कलर ऑप्शन अगर आप बात करें जो है इसका स्टैंडर्ड वेरिएंट है ना, सबसे बेस ड्रम वाला, इसमें आपको दो कलर मिलेंगे, एक ये और एक वाइट वाला। इसमें आपको इसमें भी दो कलर मिल जाते हैं, एक सिल्वर कलर ऑप्शन और जो है एक दूसरा सामने आप ये देख ही रहे हैं पर्पल कलर। तो फ्रंट से दोनों कुछ ऐसी लगती हैं, थोड़ा क्रोम का वर्क उसमें ऊपर है तो थोड़ा इसका आपको हाइट भी आपको बड़ी सी आपको मिलेगी। बाकी यहाँ से आप देखते हैं तो यहाँ पे आपको फ्रंट पे मेटल का ही दोनों में आपको बम्पर मिलता है, ये मैट कलर में शेड रहेगा। बाकी ये पार्ट इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा दिया गया है, थोड़े बहुत चेंजेस मिलेंगे। बाकी फ्रंट में जो ब्रेकिंग की बात करें, 220 mm की आपको डिस्क मिल जाती है जुपिटर क्लासिक में 110 सीसी में, और इसमें आपको SBT सिंक्रोनाइज ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी मिलेगी। सस्पेंशन टेलीस्कोपिक दिए गए हैं और 90-90 का 12 इंच का आपको टायर प्रोफाइल मिलता है एलॉय के साथ में, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल रहे हैं। वहीं अगर इसके टायर प्रोफाइल की बात करी जाए तो इसमें वही 90-90 12 इंच के सेम टू सेम टायर मिल रहे हैं, लेकिन इसमें ये स्टील मिलेंगे आपको, और यहाँ पर सस्पेंशन भी वही टेलीस्कोपिक सेम टू सेम यही वाले यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसा कुछ रहता है, इसमें डिस्क नहीं आती इस वाले में, इसमें आपको 130 mm की ड्रम ब्रेक ही मिलेगी। अब ज़रा साइड की ओर चलते हैं, साइड प्रोफाइल देखते हैं। यहाँ पर स्कूटर ऑफ द ईयर की आपको जो है इसके यहाँ पर इसे नवाजा गया है, इससे स्कूटर ऑफ द ईयर जो है यहाँ से जो इसे मिला हुआ है। बाकी यहाँ से आप साइड से देखें ना तो ये इंटीरियर अंदर का ये पूरे पैनल्स देखेंगे आप तो ये पूरा ब्लैक में मिलता है, इसमें आपको ब्राउन टेक्सचर मिलेगा, तो थोड़ा प्रीमियम सा आपको जो है ये देखने को मिलेगा ब्राउन टेक्सचर में। बाकी ज़रा फीचर्स देखते हैं, सबसे पहले मीटर कंसोल से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर आपको ये क्रोम का वर्क मिलेगा प्रॉपर 125 सीसी जो है जुपिटर में, और यहाँ से आप देखते हैं जैसे इग्निशन ऑन करेंगे तो इसमें प्रॉपर यहाँ पे फ्यूल का बताता है एनालॉग, ये पूरा एनालॉग मीटर है, और यहाँ पर आपको जो है ट्रिप पे आपको जो है यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे पूरा जो है आपकी स्कूटी कितनी चल चुकी है ये बताएगा, साइड स्टैंड इंडिकेटर और साथ ही साथ इंजन मेल फंक्शन लाइट, इको पावर मोड, ये सारा आपको एज आ एनालॉग फॉर्म में आपको जो है मीटर कंसोल मिल रहा है। बाकी ये हॉर्न हो गया, ये इंडिकेटर, ये लो बीम हाई बीम के लिए, ये जो है इसका इंजन किल स्विच हो गया, ये इसका सेल्फ स्टार्ट का। अब जरा उसके जो है सेक्शन के बीच मीटर का सेक्शन की ओर चलें तो इसमें जो है आपको स्विच एकदम सेम टू सेम मिल रहे हैं यहाँ पे। अगर आप देखें ये हॉर्न का हो गया, ये इंडिकेटर हो गया, और साथ ही साथ जो है यहाँ पे आपको ये लो बीम हाई बीम के लिए, और यहाँ पे आपको इंजन किल स्विच, ये सारी सेम टू सेम चीज़ें हैं। और मीटर कंसोल देखें तो कुछ इसका छोटा सा आपको थोड़ा सा कॉम्पैक्ट सा लगेगा यहाँ पे, ये फ्यूल का, ये इसका स्पीडोमीटर हो गया, यहाँ पे आपको जो है फ्यूल का, आपको लाइट का, इको पावर मोड, साइड स्टैंड इंडिकेटर। तो यहाँ पर दोनों में आपको साइड स्टैंड इंजन किल जो है फंक्शन का आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा। अब यहाँ से आप देखें तो चाबियाँ कुछ ऐसी मिलती हैं, इस तरफ ट्विस्ट करेंगे तो पीछे का जो है यहाँ पे फ्यूल लिड खुल जाता है, इस तरफ करेंगे तो ये बूट ओपन होगा। तो यहाँ पर जुपिटर क्लासिक 110 सीसी में आपको USB पोर्ट भी दिया गया है, यहाँ से जो है अपने कुछ भी फ़ोन वोन चार्ज आप आसानी से कर पाएंगे और यहाँ फ़ोन रख सकते हैं, यहाँ भी स्पेसिंग है। लेकिन इसकी बात करें तो यहाँ पर आपको इसके टॉप वेरिएंट में मिलता है फ्यूल उसका जो है USB टाइप का, इसमें यहाँ इस वाले में नहीं मिलता, और यहाँ पर आपको थोड़ी स्पेसिंग मिल जाएगी जो कि ये इस साइड दी गई है राइट साइड में, उसमें आपको लेफ्ट साइड में दी जाएगी। और यहाँ पर दोनों में आपको जो है यहाँ पे डेडिकेटेड यहाँ पर जो है यहाँ पर हुक आपको प्रॉपर यहाँ पर दिए जाते हैं, जो कि इसमें भी दिया गया है जो कि आप ये देख रहे हैं। और अब यहाँ पर जो है एक यूनिक चीज़ ये दी गई है 125 सीसी जुपिटर में कि आपको जो फ्यूल इसमें फिल करवाना है तो ये आप एकदम साइड से ही करवा सकते हैं, क्योंकि इसका जो फ्यूल टैंक है वो यहाँ पर दिया गया है, तो यहाँ से आप जो है आसानी से जो है आप जो है फ्यूल इसमें फिल करवा सकते हैं। कैपेसिटी की बात करी जाए तो इसमें जो है आपको जो फ्यूल टैंक की जो कैपेसिटी है ना वो आपको जो है देखने को मिलती है 5.1 लीटर की, मतलब 5 लीटर के आसपास इसमें जो है फ्यूल आएगा पेट्रोल, जो कि इसमें आप यहाँ से फिल कराएंगे। लेकिन इस वाली में आप जो है
इसमें जो पेट्रोल फिल करवाना है यहाँ से ट्विस्ट करके जो है आपको यहाँ से आपको जो है पीछे से करवाना पड़ेगा। तो मतलब उसको थोड़ा साइड में आ जाता है, यहाँ से आप जो है इसमें पीछे से करवाओगे आप। लेकिन इसमें आपको 6 लीटर की जो है फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है पेट्रोल की, तो ये आपको पता लग गया होगा। और बाकी यहाँ से अगर मैं स्पेस की बात करता हूँ तो स्पेस आप देखें फ्लोर बोर्ड का, तो फ्लोर बोर्ड का ऑलमोस्ट जो स्पेस है दोनों में सेम टू सेम मिल रहा है। उधर आप देख सकते हैं उसमें भी सेम टू सेम है। और यहाँ पर इसमें हुक मिलेगा जो कि आप ये देख रहे हैं ऐसा कुछ सामान टांगने के लिए। और यहाँ पे सीटें सिंगल टेक्सचर में मिल रही हैं, सिंपल सी सीटें हैं। लेकिन इसमें अगर सीट की बात करते हैं तो इसमें जो सीट है ना वो आपको जो है, सबसे पहले ये दिखा दूँ, ये हुक इसमें भी मिल रहा है। सीट इसमें जो है थोड़ा अच्छे जो है फैब्रिक में दी गई है, सॉफ्ट टच में। इसमें सीट कवर लगवाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, पूरा ब्राउन टेक्सचर आ रहा है दोनों में। आपको साइड में फुट आपको रेस्ट यहाँ पे आपको मिलेंगे प्रॉपर। अभी इंजन की बात मैं करूँगा, मेन फंक्शन जो है मतलब फीचर्स जो है उन्हें कवर अप करता हूँ मैं। यहाँ से आप देखें तो ये आपको ग्लॉस फिनिश में, बाकी कलर ऑप्शन तो इसमें और आए हैं, ऑरेंज भी है इसका जो है अलग, जो है आपको जो है ऐसा कलर ऑप्शन भी इसमें मिल जाएगा। साइड में जुपिटर 125 सीसी इसमें आपको क्रोम में लिखा हुआ मिलेगा, इसमें ब्लैक कलर में लिखा हुआ मिलता है। बाकी यहाँ पे आपको ग्राफिक्स देखने को मिलेंगे जो कि काफ़ी प्यारे लगते हैं। अब बात आती है मेन इंजन की। इंजन जैसा कि अगर मैं 110 सीसी जुपिटर की बात करूँ तो इसमें जो है सिंगल सिलेंडर आपको जो है एयर कूल्ड आपको जो है 4-स्ट्रोक इंजन मिलता है जो कि 7.7 PS की पावर 8.8 न्यूटन मीटर टॉर्क के संग जो प्रोड्यूस करेगा। और अगर इसके इंजन की मैं बात करूँ तो इसमें जो आपको इंजन मिलता है ना वो मिलता है 124.8 सीसी का। इसका इंजन कंपार्टमेंट आपको इस तरफ से दिखाता हूं मैं, तो इसमें आपको जो है 124.8 सीसी का जो इंजन है वो जो है पावर प्रोड्यूस जो करता है 8.04 आपको BHP की पावर 10.5 न्यूटन मीटर टॉर्क के संग प्रोड्यूस करेगा। तो मतलब इसमें आपको जो है पावर और टॉर्क कंपेयर टू 110 सीसी जुपिटर के वो इसमें ज़्यादा मिलने वाली है। और एक और चीज़, सस्पेंशन जो आप ये देख रहे हैं ना, आपको जो है इस तरीके से आपको जो है कॉइल टाइप मिलने, लेकिन इसमें आपको ये गैस ट्यूब आपको जो है आपको ये फंक्शन मिलता है। तो सस्पेंशन की थोड़ी जो है बेटर क्वालिटी इसमें मिल जाएगी, जो कि इसमें सस्पेंशन आप ये देखेंगे जुपिटर 110 सीसी में सिंपल सा यहाँ पे दिया गया है, तो ऐसा कुछ रहता है। बाकी पीछे के जो है आपको इसमें स्टील रिम मिलेगा। इसके टायर प्रोफाइल की बात करें तो इसमें जो टायर प्रोफाइल मिलेगी वो आपको मिलती है, यहाँ से आप देखेंगे तो इसमें आपको 90-90 12 इंच का, इसमें भी आपको 90-90 12 इंच का दिया गया है। लेकिन यहाँ जो है एलॉय व्हील्स आ जाते हैं, यहाँ स्टील रिम आते हैं इसमें। बाकी रियर की बात करें, रियर टेल लैम्प का डिज़ाइन कुछ ऐसा रहेगा। यहाँ पे इंडिकेटर दोनों में मिलते हैं हेलोजन में। यहाँ पर जो है आपको टेल लैम्प अगर मैं दिखाऊँ यहाँ पर जला के, तो कुछ ऐसी जो है आपको जलते हुए आपको देखने को मिलेगी रियर टेल लैम्प, जो कि दोनों में इस तरीके से रहती हैं। यहाँ से अगर इसकी जला के दिखाई जाए डिज़ाइन आपको पता लग जाएगा, दोनों का साइड बाय साइड कुछ ऐसा रहता है। थोड़ी बड़ी सी इसमें लगती हैं जो है रियर टेल लैम्प 125 सीसी जुपिटर में, इसमें कुछ ऐसी मिलेंगी। और इसमें एक और चीज़, आपको पीछे बैक रेस्ट मिल जाता है। यहाँ पर अगर देखा जाए 110 सीसी जो है यहाँ पर जुपिटर में, जो कि स्पेशली क्लासिक में ही दिया जाएगा ये बैक रेस्ट, तो मतलब जो पीछे बैठता है ना कोई भी, तो इसमें जो है कंफर्ट इस वाली जो है क्लासिक में ज़्यादा आएगा। उसे थोड़ा सपोर्ट भी मिलेगा पीछे बैठते हुए लॉन्ग जर्नी पे, वो बिल्कुल भी जो है उसे पीछे से कोई भी थकान महसूस नहीं होने वाली। अब मेन बात आती है यहाँ पर अंडर सीट स्टोरेज की। अंडर सीट स्टोरेज दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको 125 सीसी जुपिटर का दिखाऊँ तो कुछ इतना रहता है, देख लीजिए। और इसका भी एक बार आपको दिखा दूँ यहाँ पर, तो साइड बाय साइड दिखाऊंगा। सबसे पहले इसकी बात करी जाए 110 सीसी जुपिटर क्लासिक की, तो इसमें आता है 21 लीटर का बूट स्पेस, जिसमें कि एक स्टैंडर्ड जो स्कूटियों में यूज़ होता है हेलमेट हाफ फेसिंग वाला, वो आसानी से इसमें आ सकता है। वहीं अगर इसके बूट स्पेस की बात करी जाए तो इसमें तो इतना सारा बूट स्पेस है, मतलब एक छोटा बच्चा आराम से इसमें लेट कर अंदर जो है बंद किया जा सकता है, जो कि आप देखें ना, दो हेलमेट आसानी से आ जाएंगे। और ज़्यादातर एक हेलमेट रखते हैं, तो एक हेलमेट के बाद जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है ना, जो कि हेलमेट के बाद स्पेस बहुत कम बचता है, तो इसमें वो दिक्कत कहीं नहीं आने वाली। तो स्पेस बहुत ही आपको ह्यूज सा मिलेगा इसमें, 33 लीटर का मिलता है, जो कि कह सकते हैं इस सेगमेंट में आपको शायद ही किसी में देखने को मिले। तो बूट स्पेस अच्छा खासा आपको मिल रहा है, देख सकते हैं बहुत ही अच्छा खासा है, जो कि स्पेस के मामले में। इसके कंपैरिजन में आप देख सकते हैं साइड बाय साइड अगर आपको दिखाऊं तो कुछ इतना बूट स्पेस इसमें रहेगा। तो मेजरली अब आपको शायद थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे क्लियर हुआ हो। प्राइस मैंने यहाँ पर दोनों की साइड बाय साइड हर एक वेरिएंट की बता दी थी,
ये जो है आपको स्टील रिम में मतलब डिस्क वेरिएंट और जो है एलॉय में डिस्क वेरिएंट, तीन वेरिएंट में आता है ये। इसका जो है इसका सबसे बेस ZX आपको जो है स्मार्ट कनेक्टेड और ये जुपिटर क्लासिक वेरिएंट जो आप देख रहे हैं। कंपैरिजन इनका जो है दो वेरिएंट के ऊपर था, जो जुपिटर 125 सीसी का सबसे बेस आता है उससे, और जो है यहाँ पे जुपिटर 110 सीसी का सबसे टॉप। तो एक्स शोरूम में अगर मैं कंपेयर करूँ तो आपको ये थोड़ी आपको जो है कह सकते हैं 2-3 हज़ार रुपये महंगी मिलती है, लेकिन इसका डिज़ाइन थोड़ा अच्छा लगता है, मतलब थोड़ी कॉम्पैक्ट साइज़ की है। अंदर के जो इंटीरियर का कलर है वो थोड़ा अच्छा लगता है ब्राउन टेक्सचर में। पीछे जो है आपको बैक रेस्ट, आपको जो सपोर्टर आपको मिल जाता है, और साथ ही साथ जो है USB पोर्ट मिल रहा है इसमें, डिस्क ब्रेक्स मिल रही हैं, अलॉय व्हील्स मिल रहे हैं, लेकिन इसमें थोड़ा आपको ज़्यादा पावर ज़्यादा टॉर्क मिलती है। अब बेसिक मेन चीज़ रहती है, लें कौन सी और किस और दिया जाए, तो अगर आप चाहते हैं थोड़ी पावर ज़्यादा हो आपकी स्कूटी में और टॉर्क ज़्यादा हो, मतलब थोड़ा ऐसे जो है एरिया में रहते हैं जहां आपको पावर की ज़्यादा ज़रूरत है, जैसे कि हिली एरिया, तो उसके लिए तो सबसे बेस्ट ऑप्शन 125 सीसी स्कूटर ये जुपिटर रहती है। लेकिन थोड़ा माइलेज भी देखना है, सिटी में आप चलाते हैं यहां पे स्कूटर तो मेन 110 सीसी से भी आपका जो है काम चल सकता है। माइलेज की बात करी जाए इसमें आपको अराउंड वही 40 से 45 के अप्रॉक्स मिल सकता है माइलेज। मेन चलाने के ऊपर डिपेंड करता है कि 45 से आप ज़्यादा भी ले सकते हैं इसमें 125 सीसी जुपिटर में। इसकी बात करी जाए तो इसमें आपको 45 to 55 के अप्रॉक्स बीच में आप इसमें माइलेज मिलेगा। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो जुपिटर 125 सीसी और जुपिटर 110 सीसी के बारे में। थोड़ी सी भी लगा हो वीडियो में आपको कुछ पता लगा तो ज़रूर लाइक शेयर कमेंट जरूर करें वीडियो को। मिलते हैं एक और ऐसी नई वीडियो के साथ में।